नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल थंडरबर्ड स्पोर्ट्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई और राजस्थान का आईपीएल के मैच के बारे में। तो पहले देख लेते हैं जो कल का मैच था, उसमें हम लोगों का जो एनालिसिस किया हुआ था वो वीडियो में हमने डाले थे, उसका रिजल्ट कैसा रहा। तो देख लीजिए, यह है बाई सेल का। तो लगभग सारे पॉइंट हम लोगों का पॉजिटिव मिला, स्पेशली हमने जो बोले थे कि उमेश यादव और टीम साउदी, ये दोनों का तो बहुत बढ़िया है और पूरा हम लोगों का एनालिसिस के हिसाब से ही हुआ है। तो अभी देख लेते हैं मल्टीवेगर का। मल्टीवेगर में भी हमने बोला जो जो प्लेयर का लिस्ट हमने दिए थे वही प्लेयर हमको प्रॉफिट निकल के दे दिया। तो ये था कल का प्रॉफिट। अब देख लेते हैं आज का मैच का एनालिसिस। तो दोस्तों, आज पहले हम देख लेते हैं मल्टीवेगर पे जो प्लेयर हमको होल्ड करना चाहिए, यानी कि मेरा सजेशन है आपका जो होल्ड का प्लेयर है वो सबसे बढ़िया होल्ड का पिक रहेगा ईशान किशन, रोहित शर्मा। अगर सूर्या कुमार यादव खेलता है तो सूर्या कुमार बहुत बढ़िया आपका होल्ड का प्लेयर हो सकता है। उसके अलावा जॉस बटलर, संजू सैमसंग और आप टेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा को ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो आप पडिकल को भी ले सकते हो होल्ड में, क्योंकि रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है लेकिन ये प्लेयर खेल सकता है। और आप होल्ड में बुमराह को भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये था होल्ड का जो पिक। तो अभी देख लेते हैं प्रीमियम मल्टीवेगर का पिक। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो चार प्लेयर यहाँ पर प्रीमियम मल्टीवेगर में दिया हुआ है वो चारों का चारों ही बहुत बढ़िया प्लेयर है और चारों का चारों ही टॉप में आ सकता है। लेकिन हमको जो सही लगता है वो है हिट करने वाला प्लेयर ही यहाँ पर आ सकता है सबसे आगे, जैसे कि ईशान किशन। वो ईशान किशन तो मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा और जॉस बटलर मेरा सेकंड चॉइस रहेगा। ये अगर जॉस बटलर, हमने पहले भी बोला है कि अगर जॉस बटलर रुक के खेल लेता है तो जॉस बटलर निकल के जाएगा। इसके अलावा आप रोहित शर्मा के भी साथ जा सकते हैं और संजू सैमसंग भी अच्छा ही प्लेयर है। तो अब देख लेते हैं बाई सेल का प्लेयर के बारे में। बाई सेल में कौन कौन प्लेयर आपको आज प्रॉफिट दे सकता है? तो पहला है रोहित शर्मा। देखिए, रोहित शर्मा बहुत रिस्की प्लेयर है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो रोहित शर्मा को आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर रोहित शर्मा पावर प्ले में हिट करने जाएगा तभी आपको एक चांस तो मिल सकता है, क्योंकि उनका सेलिंग का प्राइस 40 है। मगर ये प्लेयर रिस्की है, आप रोहित शर्मा को सेल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है टी वर्मा। आप टी वर्मा को सेल कर सकते हैं। टी वर्मा देखिए सेलिंग का प्राइस दिखा रहा है 25। और एक प्लेयर है जो है थम्पी, तो थम्पी भी आप सेल के लिए ट्राई कर सकते हैं, 22 रुपीज़ में मिल रहा है अभी। जॉस बटलर को अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप सेल के लिए ट्राई कर सकते हैं। वैसे ही मेरा तो चॉइस है ये होल्ड में रख के। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा शेयर ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर हम लोगों को जो निकल के आ रहा है वो है सिमरन हिटमायर। देखिए, सिमरन हिटमायर बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और बहुत ज़्यादा हिट करते हैं। अगर विकेट निकल गया और हिटमायर आया तो हिटमायर अगर दो ओवर भी खेलता है ना तो हिटमायर बहुत ही अच्छा खासा खेल करेगा और ये फील्डर भी बहुत अच्छा है, तो आप हिटमायर को 30 में बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लेयर है वह है जायसवाल। आप जायसवाल को सेल में ट्राई कर सकते हैं। जायसवाल ओपन में आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि उनका जल्दी से विकेट निकल जाए, तो सेल में आप जायसवाल को ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा सजेशन, ये था मेरा एनालिसिस। तो आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए और फिर खेलिए और इंजॉय कीजिए। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।